ऑल्दो आपने ये कह लो कि भैया आपने 90D के सेंसर को स्टेरॉइड्स पर लगा दिया है, क्योंकि भैया 30 FPS की कंपेटेबिलिटी तो नहीं आएगी कन्वेंशनल सीमॉस सेंसर। फॉर दैट यू नीड टू इंक्लूड स्टैक सीमॉस सेंसर इन दिस काइंड ऑफ कैमरा। वेलकम फ्रेंड्स टू दनी कैमरा .com चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं कैनन R7 कैमरा के बारे में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द R7 कैमरा। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट R10 कैमरा। नाउ यहाँ पर हम सिर्फ उन मेजर चुनिंदा फीचर्स के बारे में बात करने वाले जो कहीं ना कहीं फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर सिनेमाटोग्राफर कह लो उनको डायरेक्टली अफेक्ट करे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं हर एक स्पेसिफिकेशन को यहाँ पर डिस्कस करूंगा और आपको बोर करने वाला। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मेजर डिफरेंसेस और द थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर बाइंग R7 कैमरा, ठीक है। तो चलो कंटेंट की तरफ मूव करते हैं, लेट्स जंप इनटू द कंटेंट। बट बिफोर दैट एज यूजुअल, अगर आप नए हो हमारे चैनल में डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द न्यू कैमरा .com फैमिली, और इस वीडियो को लाइक नहीं करना भूलना, कमेंट नहीं करना भूलना, क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट्स के साथ ही हमारा चैनल ग्रो हो पाए। नाउ मूविंग ऑन टू द कंटेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं R7 की बॉडी डिजाइन पार्ट की। देखो बॉडी डिजाइन के बारे में मुझे ज्यादा बातें नहीं करनी, क्योंकि कैनन बहुत ही बेहतरीन कैमरा बनाती है। DSLR के टाइम से कैमरा बना, उनकी जो हैंड ग्रिप स्पेसिफिकली मिररलेस कैमरों की रहती है बहुत ही स्मूथ एंड कंफर्टेबल रहती है, परफेक्ट फॉर हैंड्स। आप कई घंटों कैनन के कैमरों के साथ काम कर सकते हो, निकॉन के कैमरों के साथ काम कर सकते हो, सोनी के जो 4th generation के मिररलेस कैमरास जो आ रहे हैं मार्केट में वो भी अब काफी अच्छे हो चुके हैं। सो ओवरऑल बॉडी डिजाइन के हिसाब से R7 जो उन्होंने लॉन्च करा है, इट्स अ परफेक्ट कैमरा फॉर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स। तो ये डिजाइन की बात हो गई, भैया डिजाइन बहुत अच्छा है। व्यू फाइंडर जो है काफी हाई रेजोल्यूशन का है, 2.36 megapixel। व्यू फाइंडर ऑल्सो हैव अ OVF मोड, दैट इज ऑप्टिकल व्यू फाइंडर मोड। कहीं ना कहीं आप सीधे DSLR के एरा से आ रहे हो और आपने जंप कर लिया AVF के जोन में एंड यू स्टार्टेड फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो यहाँ पर OVF मोड्स भी है। नाउ द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वेदर सेलिंग, ठीक है। कैनन के कैमरों में ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू से द वेदर सेलिंग इज ऑफ R5 और R6 लेवल, बट या इट इज डिसेंट वेदर सेलिंग जिसे आप रफ कंडीशंस में यूज कर सकते हो। नाउ द कैमरा इज यूजिंग द LPE6NH बैटरी फ्रॉम द R5 R6। बैटरी लाइफ बड़ी तगड़ी होने वाली इस कैमरे की, IPS-C बॉडी यूज कर रहा है, फुल मिररलेस कैमरास की बैटरी। अदर थिंग लेट्स टॉक अबाउट द पोर्ट्स। पोर्ट्स की बात कर ले तो 3.5mm की इनपुट आउटपुट जैक दोनों है। माइक्रोफोन की जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो आप सुन सकते हो, यानी कि जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल सिनेमा कैमरा यू हैव द बेसिक्स ऑडियो जैक्स इन दिस कैमरा। एंड फाइनली द डुअल कार्ड स्लॉट्स, यहाँ पर डुअल कार्ड स्लॉट्स में आप अपनी UHS-II कंपैटिबल कार्ड्स लगा सकते हैं SD के। ऑफ कोर्स इन्होंने CF एक्सप्रेस कार्ड स्लॉट नहीं दिया, मोस्ट प्रोबेबली टू सेव ऑन द कॉस्ट, और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स यूजर्स के लिए भी थोड़ा भारी पड़ जाता। दोनों ही SD कार्ड स्लॉट्स दे दिए, बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस रेंज में स्पेसिफिकली यूजर्स जो रहते हैं वो SD कार्ड्स के साथ थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, और कोई बुराई भी नहीं है। इफ द कैमरा इज वर्किंग फाइन विद अफोर्डेबल और द बजट कार्ड्स, देन वाई टू इंट्रोड्यूस अ CF कार्ड एक्सप्रेस स्लॉट इन दिस कैमरा। सी द कैमरा इज RF माउंट कंपैटिबल, और इस यूनिफाइड माउंट को बनाने में कैनन ने बहुत अपना एफर्ट डाला है। एंड लिटरली टू अनाउंस दिस दे हैव ऑल्सो किल्ड द EFM माउंट टू। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सो यू कैन यूज द RFS लेंसेज विद द APS-C क्रॉप फैक्टर इन द फुल फ्रेम कैमराज टू, यानी कि आप अपनी APS-C लेंसेज को खुदा न खास्ते कभी ज़रूरत पड़ गई तो आप अपने फुल फ्रेम कैमरास में लगा सकते हो, जो कि DSLR एरा में पॉसिबल नहीं था। ये कैनन ने इस बार बहुत ही बढ़िया काम करा है। एंड वेरी सून आई थिंक विद ऑल द पॉसिबल मॉडल्स वी हैव राइट नाउ, ऑल द फुल फ्रेम मॉडल्स, इन सबके साथ एक अपडेट के थ्रू कंपैटिबल हो जाएंगी ये RFS लेंस, जो कि ऑफकोर्स क्रॉप मोड में काम करेंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर स्पेसिफिकेशन ऑफ द कैमरा, द R7 कैमरा क्या मेजर इंप्रूवमेंट्स है उसके बारे में हम सिर्फ बात करते हैं। द R7 कैमरा हैज अ न्यू सेंसर। अब ये न्यू सेंसर किस तरह से न्यू सेंसर है इसे आपको मैं समझा देता हूँ विद इन अ मिनट। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, माइक्रो लेंसेस को रिडिजाइन करा है। कैनन की जो 90D की सेंसर थी वो कन्वेंशनल सीमॉस सेंसर थी और उसे उसी तरह का रहने दिया गया, उसकी बनावट में कोई बहुत बड़ी छेड़ मत समझो कि इसमें स्टैक्ड या BSI कुछ इनपुट करा गया। नाउ इट्स द सेम, बस यहाँ पर माइक्रो लेंसेस की डिजाइनिंग को उन्होंने अपडेट किया है। क्यों किया है ऐसा, क्योंकि जो शार्पनेस की लेवल है वो अपस्केल कर जाए। कब पता चलेगा, जब आप टेस्ट कंडीशंस में 90D या M6 Mark II कैमरे को आप R7 के साथ कंपेयर करो। सो टू मेक इट मोर परफेक्ट विद द RF लेंस दे हैव रीडिजाइन द माइक्रो लेंसेज ऑफ द ओल्ड 32.5 MP सेंसर। तो आपको ये अब बहुत ही क्लियरली समझ आ गया होगा कि क्यों कैनन कह रहे हैं ये नया सेंसर है। दूसरी जो मेजर इंप्रूवमेंट है सेंसर को ही लेके वो है ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स। ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स जो है, पहले आपकी जो 90D थी या आपके M6 Mark II कैमरा
वो 143 जूल्स में आपकी एयर पॉइंट्स ग्रो, बट नाउ द ईएफ जूल्स अप स्केल टू 651 जूल। यह आपने समझना है कि भैया पहले जो हमारी 90 डिग्री सेंसर थी उसमें सिर्फ 143 ईएफ जूल्स ग्रुप थे, बट नाउ वी हैव मोर देन 600, द 651 ईएफ जूल्स इन द R7 कैमरा, और इसकी कवरेज लगभग 100% है, ठीक है। एंड इन वीडियो मोड यू हैव मोर देन 500 ईएफ जूल्स व्हिच इज समवेयर अराउंड 550। सो मेरा ये कहना है कि भैया यहां पर इन्होंने सेंसर के रीडिजाइन करी है, तो दो चीजें करी है, एक तो माइक्रो लेंसेस को अपडेट करा है, दूसरा एयर परफॉर्मेंस को अप स्केल करने के लिए यहाँ पर DPF जनरेशन 2 को इंक्लूड करा है। बट हाँ, ये सारी चीजें करी गई है कन्वेंशनल CMOS सेंसर के ऊपर। अगर यहाँ पर वो सेंसर टेक्नोलॉजी भी अपडेट कर देते, BSI को इंक्लूड कर देते, स्टैक्ड को इंक्लूड कर देते, स्टैक्ड को इंक्लूड करना बहुत जरूरी था क्योंकि ये 30 FPS की शूटिंग रेट प्रोवाइड करना है विद इलेक्ट्रॉनिक सेटर ना एट द स्पीड ऑफ 30 FPS। हालांकि मैं प्रोफेशनल्स को भी 30 FPS यूज करना उतना नहीं रिकमेंड करूंगा विद R7 कैमरा, क्योंकि यहां पर रोलिंग शटर इफेक्ट तो आनी है। योर कैमरा इज यूजिंग कन्वेंशनल CMOS सेंसर, सेंसर ये कोई R3 तो है नहीं मेरे दोस्त, आपको समझना है R3 में तो स्टैक्ड CMOS सेंसर लगा है, तब आपको 30 FPS की शूटिंग स्पीड मिल रही। बट विद R7 यू नो इट्स अ ओल्ड कन्वेंशनल CMOS सेंसर ऑफ 90D, इसमें माइक्रो लेंसेस को अपडेट करा गया, इसमें AF जोन्स को अपडेट करा गया, बट इसमें स्टैक टेक्नोलॉजी तो लगाई नहीं गई जिससे कि आपकी डेटा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाए सेंसर के अंदर। तो ये जो डेटा प्रोसेसिंग है वही पुराने कन्वेंशनल CMOS सेंसर की स्पीड की। सो इफ द पीपल आर गेटिंग 30 FPS ब्लास्ट फ्रॉम देयर कन्वेंशनल CMOS सेंसर, ऑल्दो आपने ये कह लो कि भैया आपने 90D के सेंसर को स्टेरॉइड्स पे लगा दिया है, क्योंकि भैया 30 FPS की कंपेटेबिलिटी तो नहीं आएगी कन्वेंशनल CMOS सेंसर्स। फॉर दैट यू नीड टू इंक्लूड स्टैक्ड CMOS सेंसर इन दिस काइंड ऑफ कैमरा। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा इफ यू आर परचेजिंग द R7 कैमरा इज बेटर टू सेटल विद द 15 FPS कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड, यानी मैकेनिकल शटर यूज करो, दैट्स बेटर। अगेन विथ ऑल द लेंसेज यू आर नॉट एबल टू गेट द 30 FPS शूटिंग स्पीड। आप RF लेंसेज यूज कर रहे हो तब आपको 30 FPS शूटिंग स्पीड मिलेगी, बट वेन यू आर यूजिंग द DSLR लेंसेज और लेंसेज विथ अडेप्टर द शूटिंग स्पीड कैन ड्रॉप अप टू 8 FPS, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो किन लेंसेज के साथ आपको 30 FPS एलिजिबल है आपका कैमरा, किन लेंसेज के साथ अप टू 15 FPS एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आप देखता कर लेना। ये नहीं कि भैया मेरे सारे DSLR के लेंसेज थी, मैंने अडेप्टर लगाकर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे 30 FPS नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपने थोड़ा सा रिसर्च करके खरीदना है ये सारी चीज़ों को, ठीक है। इट इज़ एडवर्टाइज, इट इज़ अवेलेबल, बट या इट इज़ अवेलेबल विद सम रोलिंग शटर इफेक्ट, इट इज़ लिमिटेड टू हाई ग्रेड RF लेंसेज, इवन विद द किट लेंसेज यू कैन गेट दैट, नॉट ओनली हाई ग्रेड बट या इट शुड बी RF लेंसेज, ओके यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो देखो यहाँ पर हम सीधे इमेज क्वालिटी सेंसर की बात करते करते आ गए ऑटो फोकसिंग जोन में, बट लेट मी कम्प्लीट दैट इमेज क्वालिटी पार्ट कि भैया लो लाइट परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखने वाला। एक स्टॉप का डिफरेंस भले आपको दिख सकता है ड्यूरिंग टेस्ट कंडीशन, बट सिंस इट्स अगेन द सेम कन्वेंशनल CMOS सेंसर ऑफ 90D, देन वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस बिग डिफरेंस इन द लो लाइट परफॉर्मेंस ऑफ द कैमरा, बट वी कैन नोटिस इंक्रीज इन द शार्पनेस लेवल ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ RF माउंट। ये तो RF लेंसेज इंट्रोड्यूस हो गई, दूसरा माइक्रो लेंसेज को अपडेट करा गया है, ठीक है, ये भी करा गया है इसके अंदर, एंड दैट्स वाई द शार्पनेस विल इंक्रीज। अब हमने ब्रस्ट स्पीड की बात कर ली, तो बफर मेमोरी की भी थोड़ी बहुत बात कर ले। सो व्हेन यू आर शूटिंग एट 30 FPS यू आर गेटिंग 30-40 फ्रेम्स इन अ सिंगल ब्रस्ट व्हेन यू आर शूटिंग इन रॉ मोड, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड का ब्रस्ट मिलेगा रॉ में। सी रॉ यूज कर रहे हो कंप्रेस्ड रॉ तो वहाँ पे लगभग आपको 90 फ्रेम्स मिल जाएंगे, 80-90, दैट इज लगभग आपका 3 सेकंड का ब्रस्ट मिलेगा। JPEG यूज कर रहे हैं तो वो 100 पार कर जाएगा आपका रेशियो, लगभग आप 130 पकड़ कर चलो JPEGs में। तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई। जब हम 15 FPS पे शूट करते हैं 15 FPS में, तब जो रेंज वो थोड़ी बढ़ जाती है, वहीं पे रॉ में आपको लगभग 10 फ्रेम एक्स्ट्रा मिलेंगे, रॉ में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। बट या जब आप JPEG शूट करोगे तो मोर देन 220 फ्रेम्स मिलेंगे, वहीं सी रॉ में लगभग आपको 150-160 फ्रेम्स। समटाइम्स सम फोटोग्राफर्स आर ऑल्सो सेइंग ड्यूरिंग द टेस्ट दे आर गेटिंग अप टू 180 फ्रेम्स। बफर लिमिटेड है बट या 15 FPS शूटिंग स्पीड भी कोई बैड नहीं है, अगर हम 15 FPS पे ही इस कैमरे को यूज़ करें तब फिर नियर अबाउट आपके पास काफ़ी सारी स्पेस और टाइमिंग हो जाएगी अपने इवेंट को कवर करने के लिए। इमेज स्टेबलाइजेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह की आप लेंसेस लगाओगे उस हिसाब से आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगी। किट लेंसेज के साथ आपको अप टू 6 स्टॉप्स की हाइब्रिड IS मिलेगी, ठीक है, बात समझ आ गई। भाई जिस तरह की लेंसेज आप लगा रहे हो उस तरह की हाइब्रिड IS, उस तरह के स्टॉप्स आपको मिलेगा। इवन विद द DSLR लेंसेज ये हाइब्रिड IS काम करता है, ऐसा नहीं कि DSLR लेंसेज है OIS वाली
और इसके साथ R7 काम नहीं करेगा, करेगा हाइब्रिड IS उस पर भी काम करती है। बट सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट इमेज स्टेबलाइजेशन की परफॉर्मेंस किस बजट लेंस के साथ आपको मिलेगी, तो वो मिलेगी 24-105 RF फुल फ्रेम लेंस के साथ, और यहाँ पर लगभग आपको 8 स्टॉप्स की IBS की सपोर्ट मिल जाएगी व्हेन कंबाइंड विद हाइब्रिड IS। सो या इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ फुल फ्रेम कैमरा, आप 24-105 mm की लेंस भी परचेस कर सकते हो, इससे ओवरऑल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको इस कैमरे से बहुत अच्छी मिल जाएगी। विद द 50 mm RF लेंस द IS इज अप टू 7 स्टॉप। यहाँ पर जिस तरह की आप लेंसेज लगाओगे, जैसे मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से आपको IS यहाँ पर मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव है कम्पेयर टू इट्स कम्पेटिटर्स। वीडियो की बात कर ले तो कैनन का पहला कैमरा रहेगा APS-C जो कि 10 बिट की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करेगा। या नाउ दे हैव 10 बिट रिकॉर्डिंग अवेलेबल इन C-Log। 10 बिट की वीडियो लेनी है आपको अपने कैमरे से, तब आपको C-Log का यूज करना पड़ेगा या HDR PQ प्रोफाइल का, ठीक है। ये बातें आपको समझ आ गई। 4:2:10 बिट की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है R7 कैमरा में, आई एम रिपीटिंग, बट फॉर दैट यू हैव टू रिकॉर्ड योर वीडियोज इन C-Log फॉर्मेट और HDR PQ, एंड बोथ ऑफ दिस विल यूज द H.265 codec। बाकी जितनी भी आप रिकॉर्डिंग करोगे वो कंप्रेस्ड फॉर्मेट में रहेगी, वो 8 बिट में रिकॉर्ड होगी और वो H.264 कोडेक्स को यूज़ करेगी। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अब ऑल आई इंट्रा फॉर्मेट या IBP या कंप्रेस्ड IBP फॉर्मेट की बात कर लें, तो 4K की जितनी भी आप रिकॉर्डिंग करते हो सारे IBP या कंप्रेस्ड IBP में मिलते हैं, IBP लाइट आप कह लो, बट या इन फुल HD आई थिंक आई एम नॉट सो इनटू द स्पेसिफिकेशन राइट नाउ। द ऑल आई इंट्रा इज अवेलेबल बट इट्स ओनली अवेलेबल अप टू फुल HD। व्हेन यू आर इन 4K द IBP एंड IBP लाइट इज अवेलेबल, दैट इज द कंप्रेस्ड IBP। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ किस किस फॉर्मेट्स पर और कितने बिट पे अपनी 4K की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। नाउ आफ्टर दिस थिंग लेट्स टॉक अबाउट द रेजोल्यूशन, ओवर सैम्पलिंग, पिक्सल बिनिंग, डाउन सैम्पलिंग एंड ऑल दिस थिंग। यानी कि 4K की जब आप अल्ट्रा HD फाइन मोड यूज करोगे तब आपको ओवर सैम्पल्ड 4K फाइल मिलेगी जिसकी डिटेलिंग्स बहुत ज़्यादा रहने वाली। जब आप यहाँ पर 4K 60p मोड पर जाते हो विद अ 32 MP सेंसर ऑफ R7 कैमरा, देन यू हैव टू फेस मैसिव क्रॉप ऑफ 1.8x, ठीक है। उस समय आपको एक बहुत मैसिव क्रॉप्स फेस करना पड़ता है। सो दिस इज नॉट सो रिकमेंडेड फॉर रिकॉर्डिंग 4K 60p वीडियो, बट या फॉर 4K 24 and 30p द कैमरा इज वेरी गुड कैमरा इन इट्स क्लास। फॉर द फर्स्ट टाइम कैनन रिवोक द टाइम लिमिट्स, तो यहाँ पर कोई टाइम लिमिट्स उतनी है नहीं, आप आराम से अपनी वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि आप जब तक कि आपकी बैटरी आपका साथ दे, जब तक कि आपका कार्ड्स आपका साथ दे। ऑफकोर्स कैनन ऑल्सो एडेड अ वेरी गुड हीट सिंक मैकेनिज्म इन द R7 कैमरा, सो आई होप कि एटलीस्ट आप 30+ मिनट के मार्क पर जब तक पहुंचते हो तब तक तो ओवरहीटिंग की कोई सीवियर इश्यू आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी विद R7 कैमरा। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस, प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। R7 की बॉडी की जो कॉस्ट है वो है 1,27,000 अकॉर्डिंग टू द कैनन वेबसाइट राइट नाउ, एंड विद द 18-150 mm किट लेंस द कॉस्ट समवेयर अराउंड 1,64,000। ये इनिशियल कॉस्ट रिवील करा है कैनन इंडिया ने। इसके अवेलेबिलिटी की बात कर ले, लगभग ये जुलाई एंड अगस्त के मंथ तक इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि इसकी शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है अगर डिमांड नॉर्मल रहे तो थोड़ी पहले भी इसकी शिपिंग स्टार्ट हो सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स।